अपने बुंदेलखंड दौरे के दौरान पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी नेताओं को लेकर तंज कसा था। उन्होंने भाजपा में 7 नेताओं के सीएम की रेस में शामिल होने का दावा किया था। वहीं अब उनके बयान पर बीजेपी नेताओं की कड़ी प्रतिक्रिया सुनाई दी। उन्होंने दिग्विजय सिंह को एक बार फिर प्रदेश को दुर्व्यवस्था में पहुंचाने वाला पूर्व मुख्यमंत्री करार दिया। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। दिग्विजय सिंह का दिखा बेबाक अंदाज, बीजेपी में सीएम के बताए 7 दावेदार, सीएम का सूट सिलाने की कही बात, बीजेपी नेताओं के निशाने पर आए दिग्विजय। दरअसल दिग्विजय सिंह सागर के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के 7 नेता सीएम के शपथ ग्रहण के लिए सूट सिलवाए बैठे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की शपथ कमलनाथ ही लेंगे। यहाँ के भाजपा के उम्मीदवारों की सूची मुख्यमंत्री की, शिवराज सिंह छोड़ने तैयार नहीं, भूपेंद्र सिंह तैयारी में है, हमारे भार्गव जी तैयारी में है, नरोत्तम मिश्रा तैयारी में है, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर तैयारी में है, कैलाश विजयवर्गीय तैयारी में है, बीडी शर्मा भी अब तैयारी में है। अब 7 लोग तैयारी में कमर कसे हुए हैं, सूट सिलवाए हुए हैं, कब मौका मिल जाए? लेकिन मौका नहीं मिलेगा। शपथ ग्रहण होगी 2023 नवंबर दिसंबर में, तो कमलनाथ जी की होगी। दिग्विजय सिंह के बयान के बाद भाजपा नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें उनकी लिस्ट में शामिल गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने करारा प्रहार किया, जिसमें उन्होंने बुजुर्ग और कांग्रेस को उधेड़ कर रखने वाला बता दिया। उन्हें पूरी कांग्रेस उधेड़ के फेंक, हमारे सूटों की सिलाई पे ध्यान दे रहे। दरअसल कांग्रेस में दिग्विजय सिंह की जैमर का काम कर रहे हैं, जो बचा खुचा नेटवर्क है ना, ये उसको ही ध्वस्त करके मारेंगे। पिछले 4-5 दिन से कमलनाथ जी कह रहे हैं, कमलनाथ जी को समझना चाहिए कि उनके लिए ये खतरे की घंटी बजना प्रारंभ हो गई। इस प्रतिक्रिया की बीजेपी के अन्य नेताओं की तरफ से भी बयानबाजी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बयान के जरिए दिग्विजय सिंह ने अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी में गुटबाजी होने की बात कह डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।